औलिया की धरती पर शहरियों के आरामदायक सफर के लिए ऐसे इकदाम, पंजाब हुकूमत का मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुल्तान समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें फाटे भरेंगी। वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दाद ने जदीद बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन तैयार करके पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियात की आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। मुल्तान में गेस्टों के वार बरकरार, 265 मरीज मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जा पहुंचे। निस्तर अस्पताल में 84, शहबाज शरीफ अस्पताल में 34 मरीज लाए गए, सिविल अस्पताल में 31 और टाउन अस्पतालों में 39 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 91 बच्चों को मुंतकिल किया गया। और शहर औलिया में स्मोक का राज, हद निगाह मुतासिर। डीजी खान में दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं।